गेमर्स, माय नेम इज अबो, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ कार्फोसेल सिमुलेटर। अभी हम आ चुके हैं अपने वापस से कार्फोसेल सिमुलेटर में। इस गेम में काफी सारे नए अपडेट्स आए, सो दैट्स मैंने सोचा क्यों ना इस गेम को वापस से खेला जाए। और आप लोगों ने भी काफी सारे कमेंट करके मुझे बताया था कि भाई प्लीज इस गेम को वापस से खेल। तो वैसे अभी ऑफिस हमारा क्लोज है और आज कुछ ओपन भी नहीं है। काम करते सबसे पहले अपने कंटेनर में ही सोते हैं और फिर एक और सुबह करने के बाद हम यू नो नेक्स्ट डे उठेंगे तो मे बी यू नो कुछ ओपन हो जाएगा। कार मार्केट प्लेस इज ओपन, यस फाइनली गाइस कार मार्केट प्लेस ओपन है। तो अभी सीधा चलते हैं कार मार्केट प्लेस में एंड देखते हैं वहाँ पे कौन सी नई कार्स है। वैसे भी ये गेम बहुत प्यारा है तो डेफिनेटली यहाँ पे ना अच्छी भी कार्स होने वाली है। आई होप कुछ नई गाड़ियाँ हो यहाँ पे। ये कौन सी है, लेट मी चेक। कोडा कोडी आर कोडा, ये गाड़ी तो मैंने आज से पहले नहीं देखी है। डेफिनेटली इट्स न्यू कार यार, तो मैं सोच रहा हूँ इसी को बाय करते हैं। वैसे भी हमारे पास नहीं ज़्यादा पैसा नहीं है, मेरे पास कितने है? बस $800,000 है। ओ कम पैसे। ओ लास्ट एपिसोड में ना मैंने मतलब इसके आखिरी एपिसोड में मैंने अपना पूरा पार्किंग लॉट अनलॉक किया था, सो दैट्स उसमें सारे पैसे चले गए। बट इट्स ओके, ये कार मेरे को 28,000 में मिल रही है। सो 28,000 बार्गेन करते थोड़ा सा। हाउ अबाउट 26,789, रैंडम नंबर डालते, दे देगी ये डील। यस ओके, कार मिल गई है। ओके मिल गया। हाँ यस, कार अभी अपनी हो चुकी है। तो इसी तरीके से मैं अपने आज पूरे पार्किंग लॉट को फिल करने की कोशिश करने वाला हूँ। मतलब वो एक चैलेंज हमारे लिए कि हमारा जो पूरा पार्किंग लॉट है हम उसको पूरा यू नो गाड़ियों से भर देंगे और एक साथ ही सारी गाड़ियों को बेचेंगे। तो अभी एक गाड़ी तो हमारे पास आ गई, तो अभी एक काम करते जल्दी से इस गाड़ी को सीधा रिपेयर टू के लिए भेज देते हैं, सीधा वहाँ पे जाके रिपेयर हो जाएगी। तब तक के लिए हम बाकी की भी गाड़ी को एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे और कोई गाड़ी है, ये भी आई थिंक वही है सेम। ये कौन सी गाड़ी है, लेट मी चेक। Hyundai, ये Hyundai है, Hyundai है ना ये Hyundai Fenda ये 26 में मिल रही है, बट आई डोंट वांट इट, मेरे पास एक ऑलरेडी है। हाँ ये कूपर चाहिए मेरे को, ये कूपर यार, कूपर मेरे को ना, इसको मैं ना येलो पेंट करना चाहता हूँ। येलो में वो बहुत प्यारी लगी यार, रेड में वोक्स वैगन बोट ले, इसको हम कूपर बुलाएंगे। तो इसको मैं यार 31 में मिल रही है, बार्गेन करते। हाउ अबाउट 28,790, ओके ये ज़्यादा हो गया, ये तो मिलियन में चला गया। मिल जाएगा आई थिंक। आई होप यू सैटिस्फाइड द कार, लेट्स गो। फाइनली दो कार्स को हमने बाय कर लिया और बाकी का ओ वेट लैम्बो भी है। लैम्बो कितने में मिल रही है वैसे, 5 लाख में तो मिलेगी डेफिनेटली। तो कितने में, ओके 4 लाख में मिल रही है, मैं इसको इजीली बाय कर सकता हूँ। बट अभी मेरा ना बाय करने का मन नहीं कर रहा क्योंकि अपना मुझे पूरा पार्किंग लॉट को फिलअप करना है। तो एक काम करूँ क्यों ना मैं सारी कार्स को बाय करूँ अगर मुझे अपना पूरा पार्किंग लॉट फिल करना है। नहीं यार अभी नहीं, अभी सबसे पहले इसको यू नो पूरा ये करते हैं, अपने हिसाब से पूरा कस्टमाइज़ करते हैं और बेचते हैं और फिर हम बाकी के कार्स को देखेंगे। ये चल तो रही है ना अच्छे तरीके से, या चल रही है, चल रही है। और अभी जो नए अपडेट्स आए मुझे उनको भी चेकआउट करना है। इसका वैसे ज़्यादा स्पीड नहीं है, टर्बो वगैरह है क्या इसके अंदर, टर्बो नहीं है इसके अंदर, टर्बो वगैरह कुछ नहीं है। तो भाई हमको इसको मतलब हम इसके अंदर टर्बो वगैरह भी ऐड करेंगे। या 80 ओ वेट, यहाँ पे भी गाड़ी है। ये किसकी गाड़ी है, आई थिंक ये भी हमारी गाड़ी है। हाँ ये गाड़ी आई थिंक मैंने ऑक्शन में परचेस करी थी। ओ भाई एक काम करते इस गाड़ी को फिर यहाँ से, भाई पता नहीं ये कितने दिनों से गाड़ी यहीं पर है, तो इस कार को सीधा रिपेयरिंग शॉप, अरे यार पार्किंग के लिए मैंने भेज दिया, बट इट्स ऑल राइट, वो भी वहाँ पे जल्दी चली जाएगी। और कूपर के अंदर हम बैठ के हम इसको भी लेके जाएंगे, ठीक है। चलो भाई इसको सबसे पहले रिपेयर करते हैं और मुझे उन्होंने पूरा कस्टमाइज़ करके इस कार को बेचना है। और कार पार्किंग लॉट में हमारे आई थिंक एक है सुपरा, हमारे पास आई थिंक लास्ट एपिसोड में सुपरा थी ना। हाँ सुपरा एक है हमारे पास गाइस, जो यू नो मैंने अपने यूज़ के लिए यहाँ पे रखा था। कुछ चेंजेस हुए क्या गेम में, वैसे चेंज तो ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे, बट स्टिल अब एक सर काम करो कार को रिपेयर कर दो प्लीज़। $1,000 कॉस्ट आएगा, इट्स ओके, काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आएगी। और ये आई थिंक रिपेयर हो चुकी है, नहीं इसको भी भाई $1,000 कॉस्ट आएगा, तो काफ़ी ज़्यादा यू नो पैसा खर्च होने वाला है। तो एक बार जब तक पैसा खर्च हो रहा है एक बार देखते हैं अपडेट में क्या क्या नया आया। वैसे भी यहाँ पे एक नया अपडेट आने वाला था जहाँ पे यू नो हम मतलब जंक में से कार को बाय कर सकते हैं, वो तो अभी तक तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हेलो सर, नहीं यहाँ पे हम इसको नॉर्मली मेटल मतलब बेच सकते हैं, तो ठीक है एक काम करते हैं एक बार अपने ऑफिस में भी जाके देखते हैं। जब तक हमारी कार रिपेयर हो रही है तो मुझे वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा। और ये वाली भी जो कार है इसको भी मैं वहाँ पे, बट यार वहाँ पे दोनों कार्स रिपेयर हो रही है, मैं इसको बाद में रिपेयर करवाऊँगा। सबसे पहले यहाँ पे काफ़ी सारा कूड़ा पड़ा है, इसको मैं यहाँ पे ट्रैश में यहाँ पे जमा कर देता हूँ। एंड लास्ट एपिसोड में मैंने मेरे सारे पैसे लगभग इसी के ऊपर स्पेंड कर दिए थे, आई मीन अपने यू नो पार्किंग लॉट के ऊपर। और मुझे कुछ स्किल पॉइंट्स, हाँ भाई इसके बारे में तो मैं भूल ही गया, मुझे इसको अनलॉक करना है। मतलब अभी इस गेम में मुझे बहुत सारी चीज़ें करना भी बाकी है, मुझे इस गन को अनलॉक करना है, उसके लिए मुझे एक और स्किल पॉइंट चाहिए। और फिर बाकी के मतलब बाद में ये बेस्ट प्राइज़ इसको भी मुझे अनलॉक करना है ताकि मुझे कार की बेस्ट प्राइज़ पता चले, फ्यूल प्राइज़ भी हमको बेस्ट मिलेगा, पेंटिंग प्राइज़ भी बेस्ट मिलेगा।
भाई ये भी सारी चीज़ें, इसको भी मुझे अनलॉक करना है, तो दिनों धीरे धीरे हम लोग कर लेंगे। और वैसे भी ना ये अपने को थोड़े से स्किल पॉइंट चाहिए। वेट, अभी इस बार यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्लीन हो रही है कार, वो भाई अच्छी बात है, फाइनली इन्होंने अपडेट में चीज़ें डाल दी है। तो यहाँ पे मैं कार को जल्दी से क्लीन कर देता हूँ, थोड़े से एक्सपी पॉइंट भी मिलेंगे हम लोगों को। और यहाँ पे ये पता चलता है कि कार कितनी क्लीन हुई है, ये आई थिंक पता नहीं चलता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी रिपेयर हो रही है, क्लीन हो रही है, अच्छी बात है भाई। यस, फाइनली मैंने अपनी सुपरा को रिपेयर कर दिया। यहाँ पे भी थोड़ी सी गंदी हो रही है, इसको भी यहाँ से क्लीन करते हैं। आई थिंक हमारी सुपरा पूरी तरीके से क्लीन हो गई है भाई, क्या लग रही है, सीरियसली दिस इज़ द बेस्ट कार। और अभी यहाँ पे भी थोड़ा सा कचरा पड़ा, इसको यहाँ पे डाल देते हैं। एंड जो अपनी कार्डिया आई थिंक रिपेयर, ओके रिपेयर हो चुकी है, देखो कूपर रिपेयर हो गई है, और इसको भी मुझे रिपेयर करवाना है, तो काम करते हैं, इसको वहाँ पे चला के लेके चलते हैं। वैसे भी इसके मुझे ज़्यादा पैसे वैसे मिलने नहीं वाले, बट फिर भी अगर हमारे पास गाड़ी है तो यू नो वी शुड रिस्पेक्ट अवर कार, सो दैट्स व्हाई इसको भी वहाँ पे रिपेयरिंग के लिए लेके चलते हैं। भाई बहुत आवाज़ कर रही है, सीरियसली मुझे इसको ना एकदम प्रॉपर तरीके से रिपेयर करवाना पड़ेगा, ट्यूनिंग वगैरह करवाते हैं। सबसे पहले कूपर को इधर से हटाते हैं, इसको नहीं हटाते मतलब हमको खुद को ले चला के लेके जाना पड़ेगा। अबे ऑलरेडी वहाँ पे गा यार, मैं हर बार जब यहाँ पे रिपेयर करने के लिए आता हूँ ना कोई वहाँ पे होता है। भाई जल्दी हटाओ उसको, जल्दी वहाँ से हटाओ वो मेरे को मीम बहुत पसंद है, जल्दी वहाँ से हटो वाला, अबे हटाओ उसको। ओके हट गई, हट गई, वेरी नाइस वेरी नाइस। गाड़ी उधर से गाइस हट चुकी है, जल्दी से आते हैं और अभी गाड़ी को यहाँ पे रिपेयर करवाते हैं, लेट्स गो। सर प्लीज़ गाड़ी को अपने पेंट करना है, पेंट कौन सा करें इसको, हाँ मुझे पिंक पेंट करना है, पिंक नहीं ग्रे, क्या येलो पेंट करना है मुझे, पिंक ग्रे क्या बोल रहा है मैं। ओके तो ये अगर इसको यहाँ से सबसे पहले इसको येलो पेंट मतलब पिंक पेंट करना पड़ेगा, पिंक नहीं येलो या पेंट करते हैं। मैंने पेंट कर दिया कार को, इसके पार्ट्स पेंट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड मेटालिक जो है मुझे उसको, वाओ ये कुछ नहीं ये कुछ ज़्यादा येलो हो गई और ये ज़्यादा मेटालिक हो गई, मतलब प्रॉपर चाहिए मुझे मेटालिक, आई थिंक कम करते हैं। और हाँ ये इतना पॉलिश रह के थोड़ा सा ना मुझे डार्क पिंक करना पड़ेगा। ओह वेट ग्रीन भी बढ़िया लग रही है यार, ओ ये भी बढ़िया लग रही है भाई, सभी कलर अच्छे लग रहे हैं और रेड भी अच्छी लग रही है, रेड कर दे गाइस। प्लान में चेंज हो जाए हो चुका है थोड़ा सा, इसको रेड कलर अच्छा लगेगा आई थिंक। और पॉलिश में भी थोड़ा सा चेंज करते हैं, मेटालिक इसको थोड़ा सा हम करेंगे ऐसा। अभी ठीक है, फाइनली कार अपनी पूरी कस्टमाइज हो चुकी है भाई, क्या लग रही है, सीरियसली दिस इज द बेस्ट कार, वन टास एकदम बढ़िया लग रही है। अंदर से भी पूरी पेंट हो गई है, मुझे लगता था बस कार बाहर से ही पेंट होती है, बट बहुत बढ़िया फाइनली हमने कार को पेंट कर लिया है। और भाई रिपेयरिंग शॉप में भी कोई ना कोई है ट्यूनिंग करने के लिए, आई थिंक वही गाड़ी है। ओके वो चला गया, वेरी नाइस। ओके अभी इस कार को हम ट्यूनिंग करेंगे, इसके यू नो टायर्स वगैरह पूरे रेसिंग किट लगाएंगे इसके अंदर, तगड़ा वाला टर्बो भी लगाएंगे, पूरी तेज़ दौड़नी चाहिए, NOS लगाएंगे, सस्पेंशन थोड़ा सा बढ़ाते कार का, या नाइस $120 इसके अंदर जाएंगे। लाइट का कलर हम चेंज करेंगे, रेड नहीं डेंजर लगेगी, ब्लू या $80 में ये चेंज हो गया। नंबर प्लेट भी हम चेंज करेंगे, नंबर प्लेट ये वाले लगाएंगे, इसके ऊपर हम लिखेंगे कूपर लिखेंगे इसके ऊपर, हम एक सेकेंड कैपिटल में लिखते हैं कूपर, ठीक है कूपर मैंने लिख दिया, अपग्रेड करते इसको। एंड आखिर में व्हील्स एकदम तगड़े होने चाहिए, तो नए व्हील्स आ गए क्या आई थिंक इस अपडेट में, यार नए व्हील्स आने चाहिए यार, नहीं पुराने वाले ये सारे। ओह ये बट यार ये कार को सूट नहीं हो रहे व्हील्स, आई मीन छोटी सी प्यारी सी कार है तो इसको नहीं यार ये व्हील सूट नहीं हो रहे इसको, आई थिंक मैंने इसका सस्पेंशन बढ़ा दिया वो अच्छी नहीं लग रही है, बट स्टिल मुझे ऐसा यू नो ऊंचा वाला सस्पेंशन बढ़िया लगता है, सो दैट्स व्हाई इसको ऊंचा ही रखेंगे। ये वाला परफेक्ट, फाइनली कूपर फुली अपग्रेड हो चुकी है। एंड नाउ लेट्स लुक एट दिस कार, भाई बहुत सही लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। तो भी सीधा इसको यहाँ से यार हमारे पार्किंग लॉट में पार्क करने का ऑप्शन होना चाहिए था, मुझे हर बार हर एक गाड़ी को अगर ऐसे पार्किंग लॉट में मैं लेके जाऊँगा तो कैसे चलेगा। नाइट्रो है इसके अंदर भाई इसको रेसिंग करने के लिए लेके जाएगा भाई, और भाई रुक जाइए। ओके भाई ये पूरा पार्किंग लॉट फिल करने में ना मेरी हालत ख़राब होने वाली है। ओके वेरी नाइस, पार्किंग लॉट में हमारी कूपर आ चुकी है, रुक जाइए भाई रुक जा। ओके रुक गई, वेरी नाइस कूपर आ चुकी है और बहुत प्यारी लग रही है। और अभी मैं बाकी की कार्स को जल्दी से यहाँ पे रिपेयर करके लेके आता हूँ ताकि हम उन भी कार्स को बेच सके। सबसे पहले कूपर को बेचूंगा, देखते हैं उसको बेच के कितने पैसे आते हैं और फिर हम वो चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। इसको भी मैं सीधा यहाँ से रिपेयर शॉप 2 के लिए चली जाएगी। सर प्लीज़ इसको रिपेयर कर दो, एक सेकेंड ये ऑलरेडी रिपेयर हो गई है, अरे भाई तो इसको मैं सीधा टोइंग करता हूँ अपने टोइंग ट्रक, मुझे लगा ये रिपेयर नहीं है, तो ठीक है वो गाड़ी तो ऑलरेडी रिपेयर थी एंड ये भी हमारी गाड़ी रिपेयर हो चुकी है, तो एक काम करते हैं इसके अंदर बैठते हैं।
या इसके अंदर बैठते हैं, चलो एंटर द कार। इसको हम कौन सा पेंट करेंगे? मेटालिक। वाओ भाई, ब्लू भी बढ़िया लग रही है, सीरियसली। और कौन से कलर्स हैं? सारे कलर्स हम ट्राई करेंगे। हाँ यार, ब्लू ही सही लग रही है मुझे। इसके कुछ पार्ट, ओके पार्ट पेंट करने के बाकी है, पार्ट मैंने कार के पार्ट्स पेंट कर दिए। वो ब्लैक भी बढ़िया लग रही है, मेटालिक ब्लैक। बट ब्लू मुझे आई थिंक ना ऐसा ब्लू, डार्क ब्लू थोड़ा सा मैच हो रहा है इसके ऊपर, तो थोड़ा सा इसको अगर लाइट किया, थोड़ा सा और डार्क, या इतना डार्क आई थिंक सही रहेगा। पेंट कर दिया मैंने। और पॉलिश में ओके इतना ठीक है, और मेटालिक इसको थोड़ा ज़्यादा करते हैं। परफेक्ट, ब्लू पेंट कर दिया हमने हमारी कार को। वैसे इसका नाम क्या था मैं भूल गया यार, गाड़ियों के नाम मेरे को ठीक से याद नहीं रहते, बट इट्स ओके, कार को हमने पेंट कर लिया। और बढ़िया बढ़िया लग रही है भाई, देखो पीछे से भी क्या बढ़िया लग रही है भाई, सीरियसली। ये ना थोड़ी थोड़ी मेरे को XUV 700 जैसी लग रही है, 700 की तरह लग रही है ये। ओके गाड़ी आ गई यहाँ पे, तो इसको भी हम पूरा रेसिंग किट लगाएंगे, टर्बो लगाएंगे इसके अंदर। बस सस्पेंशन ठीक है, सस्पेंशन एकदम प्रॉपर है। लाइट्स हम थोड़ा सा इसको कलर चेंज करेंगे इधर से, या ब्लू ये वाली लाइट बढ़िया लगेगी। नंबर प्लेट अच्छी है, ऑलरेडी नहीं है बट स्टिल अपग्रेड करते हैं। और व्हील्स, इसमें व्हील्स ओहो परफेक्ट, एकदम तगड़े व्हील्स लग रही है। फाइनली ये भी गाड़ी अपग्रेड हो गई, बहुत प्यारी लग रही है। अभी इसको भी सीधा लेके चलते हैं अपने पार्किंग लॉट में, और इसको भी हम बेचेंगे और देखते हैं कितने पैसे मिलते हैं। नाइस। और ये क्या भाई, अंधेरा हो गया? अरे भाई, दोनों गाड़ियां गेमर्स अभी हमारे पार्किंग लॉट में आ चुकी है, और ये गाड़ी भी आई थिंक, अब यार ये कब से गाड़ी ऑन है, मुझे इसको जल्दी से ना बंद करना पड़ेगा। और इसको भी लेके चलते हैं और अपने ऑफिस में पार्क करते हैं, ताकि हम दोनों गाड़ियों को बेच सके एकदम बढ़िया तरीके से। बट ठोकना नहीं भाई। नाइस, थोड़ा सा प्रॉपर पार्क हो जा भाई, थोड़ा सा एकदम इसके साइड में ही पार्क करते हैं। मुझे वैसे यार पूरा पार्किंग लॉट फिल करना है, तो मैं धीरे धीरे सोच रहा हूँ पूरे पार्किंग लॉट को फिल करूँ। बट यहाँ पे ना प्रॉब्लम एक होता है कि जैसी रात हो जाती है ना, कार्स ख़राब हो जाती है। अभी तक मैंने वैसे इन कार्स को क्लीन किया नहीं है। एक सेकंड यार, मुझे इसका इंजन ऑफ करने दो, बहुत आवाज़ कर रही है। फाइनली तीनों कार्स यहाँ पे आ चुकी है, बट अभी तक मैंने कूपर को भी क्लीन किया नहीं है, तो मुझे इसको भी क्लीन करना पड़ेगा। यार मेरे पास ना वो अगर वाटर गन होती ना, तो भाई बहुत बढ़िया होता यार। प्लीज़ पैसों में दे दो यार, मैं इसको बाय करने के लिए तैयार हूँ पैसों में। और ना मतलब इस गेम में एक प्रॉब्लम और होता है कि जब भी रात हो जाती है, हमको फिर से एक बार गाड़ियों को क्लीन करना होता है। अभी देखो मेरे को XUV को भी वापस से क्लीन करना पड़ रहा है। ये हमारी XUV है, वैसे काफ़ी बढ़िया लग रही है दिखने में। तो नो वरीज यार, अभी अंधेरा हो गया, तो काम करते हैं। सबसे पहले चलते ऑफिस में। ऑफिस में तो भाई मैं गया ही नहीं, इतने दोनों के बाद ऑफिस में बढ़िया लग रहा है। तो भाई काम करते हैं, सबसे पहले जो अनपेड बिल्स बाकी है उनको पे करते हैं, जस्ट लाइक दिस। ओ भाई 23,000 का बिल आया है, अरे भाई साहब। तो ठीक है, मैंने अनपेड बिल्स पे कर दिए, और अभी सीधा यहाँ से चलते हैं अपने क्या बोलते हैं उसको, कंटेनर में जाके सोने के लिए। और फिर वहाँ से हम लोग मे बी ऑक्शन में जाएंगे, फिर वहाँ से भी हम कुछ कार्स को बाय करेंगे। $80,000 का लॉस है आज, हाउ? ओके मतलब हमने पैसे स्पेंड करे, कुछ अर्न नहीं किए, दैट्स वाई ये लॉस दिखा रहा है। अरे भाई ये आज ऑक्शन भी ओपन है, तो भाई ऑक्शन में भी मजा आएगा। आपका भाई सारा गाड़ियाँ, वहाँ की जितने भी कार्स है, सारी कार्स को खरीद लूंगा मैं आज। और वैसे ऑक्शन कितने बजे है? 2 बजे है, तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो काम करते तब तक मैं कार को थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, और यहाँ पे हमारे गैराज में जितना भी कूड़ा वगैरह पड़ा है उसको मुझे यहाँ पे ऐसे रखना पड़ेगा। और भाई मुझे अगर ये पूरा पार्किंग लॉट फिल करना है कार से, तो भाई बहुत टाइम लगने वाला है सीरियसली। लगभग मुझे हर एक कार्स को मतलब बाय करना पड़ेगा। तो ना मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया जाए। हम आने वाले एपिसोड्स में मैं ये वाला चैलेंज कम्प्लीट करने की कोशिश करूंगा। हम पूरा पार्किंग लॉट फिल करेंगे, लिटरली पूरा जितना भी है यहाँ पे स्पेस है, पूरा खच्चा खच गाड़ियों से भर देंगे, और फिर हम एक साथ सारी गाड़ियों को बेचेंगे। तो एक काम करते हैं, एक बार मैं कूपर के वगैरह कुछ फोटोज़ खींचता हूँ मैं कैमरा में आके। वेट, इस बार इन्होंने कैमरा भाई ये चेंज कर दिया भाई, बहुत बढ़िया। ये कूपर का देखो फोटो आ गया, एक सेकंड में एकदम प्रॉपर फोटो खींचते हैं। और इस बार ब्लैक फोटो नहीं आ रहा भाई, बहुत सही। इसका एक बार पीछे से भी फोटो लेते हैं, पिछवाड़ा इसका, या इधर से एक फोटो खींचते। नाइस यार, ये बहुत सही किया इन लोगों ने, अपनी XUV इसका भी फोटो खींचते हैं, एंड ये गाड़ी इसका भी फोटो खींचते हैं। भाई इस बार मतलब ये अपडेट में काफ़ी सारी नई चीज़ें आई है, सो अच्छा लग रहा है। तो अभी काम करते सीधा कार्स को मैं सेल पे डाल देता हूँ। अभी सेल पे डाले या नहीं बाद में डाल के देखते हैं, अभी कितना में आता है, मतलब कितना प्राइस मिलता है। तो सबसे पहले नहीं, सुप्रा तो हमको नहीं बेचनी है, हमको सबसे पहले ये अपनी कूपर बोटले बेचनी है। इसके फोटोज़ अपलोड करते हैं भाई यहाँ पे। भाई अब तक देखो मैंने कितनी सारी गाड़ियों को बेचा है भाई। ये आ गया बोटले का फोटो। इसको आई थिंक मैंने लास्ट टाइम ना ब्लू कलर की बेचा था, देखा ये वाली मैंने बेची थी ब्लू वाली, बट रेडी भी बढ़िया लग रही है। इसको मुझे पिंक करना, येलो करना था, बट वो येलो ठीक से मैच नहीं हो रहा था इसके ऊपर। तो इसको हम लिखेंगे कूपर खतरनाक गाड़ी। ओनली इसको मैंने कितने में बाय करा था, 28 में बाय करा था, 7 स्पेंड करे, तो मुझे इसके पैसे लगभग 499 7
इतने मिलने चाहिए, $3 कम 50,000 के। और ये भाई यहाँ पे मेरा फ़ोटो इस बार उल्टा क्यों है पता नहीं, और बाकी ये थोड़ी सी डर्टी है, बट इट्स ऑल राइट, पुट इट ऑन सेल। कूपर को मैंने सेल पे डाल दिया है गाइज, XUV700 बोलेंगे, और इसको 26 में हमने बाय करा है, 6 स्पेंड करे तो इसके भी 45 या ये जो भी ये रैंडम नंबर है उतने आने चाहिए। एक सेकेंड, ये ज़्यादा हो गया, हाँ अभी ठीक है, पुट इट ऑन सेल। दोनों कार को मैंने सेल पे डाल दिया है, और ये वाले भी गाड़ी है इसको भी डालते हैं अगर अपने पास अभी है ही, इसके तो वैसे ज़्यादा पैसे आने नहीं वाले हैं, 2 बजे से पहले मुझे इन दोनों कार को सेल पे डालना पड़ेगा। ये वाली गाड़ी है, इसको मैंने 7 में बाय करा था, अभी 7 में ही बाय करा है और कुछ भी खर्चा नहीं किया इसके ऊपर, उसका फ़ोटो तो खींचा ही नहीं मैंने, नहीं खींचा फ़ोटो खींचा है। तो ये जो भी है रांटी गाड़ी और इसको मैं बेचूंगा फिर 14,000 ये या रैंडम जो भी मिलेगा, ठीक है। तीनों कार्स को गाइस मैंने सेल पे डाला है, और अपने कूपर के लिए 2 कस्टमर अपने बूटले के लिए, तो देखते हैं कितना देने को तैयार है। दिस प्राइस इज बॉदरिंग मी जस्ट अ मिनट, 42 देने को तैयार है, नॉट इंटरेस्टेड। वैसे ऑक्शन शुरू होने वाला है, एक सेकेंड ऑक्शन शुरू होने लगा, जल्दी से ऑक्शन पे चलते, ऑक्शन पे चलते, कमॉन कमॉन सुपरा लेके जल्दी से ऑक्शन में चलते, कमॉन 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 कमॉन, ऑक्शन शुरू होने वाला है, टर्बो ऑन करके चलते, कमॉन ऑक्शन शुरू हो जाएगा, यस। ओह भाई कितना तेज आ गया मैं ऑक्शन में, ओके रुक जा सुपरा, वेरी नाइस, गाड़ी आ गई है और ऑक्शन, ओ वेट एक सेकंड सुपरा आई थिंक, अबे टिकट जल्दी 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 मुझे बाय करनी है, मुझे प्लीज जानी नहीं चाहिए, 3000 ओके आई विल बाय इट। कौन सी है ये, सुपरा ही है, यस फाइनली भाई मैं एकदम राइट टाइम पे आ गया, और यस वी बॉट अ सुपरा, अनदर सुपरा, तो सुपरा भी हमारे पास आ जाएगी, ये चेट रोइन A4 है, आई डोंट वांट इट, 3000 में ही मिल रही है, तो ठीक है ये भी बिक गई, ओके नहीं अभी ये आई है सेल पे भाई, सुपरा मिल गए भाई एकदम, मतलब राइट टाइम पे आ गए मैं, तब जाके मुझे मिल गई, क्योंकि मुझे वो टिकट मैंने बाय नहीं किया था, अच्छी बात है भाई हमारे पास 2 सुपरास हो जाएंगी, यस फाइनली ये गाड़ी बिक गई। और तीसरी ऑडी RR आ गई आई थिंक, ये कितने में, मैं $3,00,000 में, आई एम गोइंग टू बाय इट, 29 मेरे पास पैसे है तो मैं बाय करूंगा इसको, 29 सबसे ज़्यादा बोली मैं ही लगाएगा और बिक जाएगी। और अबे छोड़ दो यार, कितने में, 4 में चली गई 3 की गाड़ी, अरे भाई 5,00,000 में चली गई बोली, बिक जाएगी, यस आपके भाई ने सारी गाड़ी बाय कर ली। और ये मर्सिडीज है, इसको भी मैं बाय करूंगा 55, भाई लेट्स गो यार, सारी टॉप गाड़ियाँ मिल गई, अभी मज़ा आ गया, इसको भी हम यू नो ये सारी कार्स को हम नेक्स्ट वाले एपिसोड में बेचेंगे एकदम यू नो पूरा कस्टमाइज करके। वैसे तो मैं सुपरा के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे उसको रेड पेंट करवाना है, रेड सुपरा यार बढ़िया लगेगी एकदम यू नो फंटास्ट लगेगी, तो इसको भी मैंने बाय कर लिया, अभी हो जा भाई, बस मेरे पास अभी $2,00,000 ही बचे, बट यू नो हमने अच्छे खासी स्पेंडिंग करी है तो इसके रिटर्न्स हमको अच्छे खासे मिलने वाले। एंड देयर यू गो, आपके भाई ने टॉप 3 कार्स परचेस कर ली और XP पॉइंट भी अच्छे खासे मिल गए, सारे लोग तालियां बजा रहे, और थैंक यू सो मच अंकल, मज़ा आ गया आपसे बिजनेस करके। तो अभी एक काम करते हैं, अपनी ये वाली सुपरा को मैं पार्किंग लॉट पे भेज देता हूँ, और ये आ गई अपनी इको सुपरा, ये अपनी ऑडी RR और ये मर्सिडीज भाई। वैसे इन कार को आई थिंक रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं सबसे पहले ये काम करते हैं, इसको पार्किंग लॉट 1 में भेजते और इसको भी टोइंग ट्रक करके पार्किंग लॉट 2 में भेजते, और ये वाली सुपर हम खुद चला के लेके जाएंगे भाई, सुपरा मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसके अंदर टर्बो ऑलरेडी, इसके अंदर टर्बो है, यस इसको सबसे पहले कस्टमाइज करते, आई थिंक रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी गाड़ी फुल्ली रिपेयर है मैंने देखा था आई थिंक, और अभी इसको हमको पेंट करना है एकदम रेड खतरनाक वंटास वाली, सर प्लीज पेंट द कार, ओ वाइट भी बढ़िया लगेगी बट मुझे वाइट नहीं करनी है, भाई 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 लेट्स गो, कार के पार्ट्स को पेंट करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा पॉलिश में चेंज करते, भाई साहब बहुत प्यारी लग रही है सीरियसली, पूरी रेड सुपरा, ओ यस ओ मेटेलिक तो भाई पूरी चमक ही रही है, और देखो इस बार हम ऐसा एंगल वगैरह भी इसका चेंज कर सकते हैं जो कि अच्छी बात है। फाइनली सुपरा को हमने रेड सुपरा कर दिया भाई, बहुत प्यारी लग रही है, और अभी इसको सीधा ट्यूनिंग के लिए लेके चलते हैं, बट इसको ट्यूनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ना इसके टायर थोड़े से चेंज करवाना चाहता हूँ, बाकी तो सब कुछ ठीक है, टर्बो भी है इसके अंदर तो ज़्यादा हमको खर्चा करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। भाई क्या चमक रही है यार, आई मीन जस्ट लुक एट द कार भाई साहब, रेसिंग किट लगाना है बस मुझे, टर्बो ऑलरेडी सब कुछ इसके अंदर, सस्पेंशन ठीक है, लाइट्स थोड़ी सी इसकी उन्होंने डार्क करते हैं थोड़ी सी, नाइस और ब्लू लाइट्स बढ़िया लगेगी, नंबर प्लेट भी ये वाली नंबर प्लेट लगाते हैं इसके ऊपर लिखते सुपरा, ओके अरे यार ये वाइट चला गया अंदर, ओके अभी ठीक है सुपरा लिख दिया हमने, और अभी इसके व्हील्स चेंज करते हैं, यार व्हील्स ऑलरेडी सही है वैसे, हाँ ये वाले
ओ भाई यार कितने प्यारे लग रहे हैं, ये भी बढ़िया लग रहे हैं, ये वाले अपग्रेड करते हैं। फाइनली सुप्रा फुल्ली कस्टमाइज हो चुकी है भाई साहब। अब इसको ना स्पीडिंग टेस्ट के लिए लेके चलेगा, मेरे को लग रहा है एक बार लेके जाना चाहिए। अंधेरा हो गया था और आज लगभग हमारा $6,00,000 का लॉस चल रहा है, बिकॉज हमने उतने पैसे स्पेंड करे कार्स को बाय करने के लिए। और अभी नेक्स्ट डे आ गया जल्दी से, और आज भी ऑक्शन, ओ भाई आज भी ऑक्शन है भाई, मज़ा आएगा। बट अभी मेरे पास वैसे ज़्यादा पैसे है नहीं, तो हमको हम अभी ज़्यादा कार्स बाय नहीं कर सकते। सबसे पहले मुझे इन्हीं गाड़ियों को बेचना पड़ेगा और फिर हम बाकी के मतलब गाड़ियों को बाय कर सकते हैं। तो अभी ये कस्टमर्स तो ऑलरेडी आ चुके हैं अपने शॉप में, सबसे पहले काम करते हैं, ये गाड़ी से पीछा छुड़वाते हैं थोड़ा सा। 14 बोला है मैंने इसको, ये कितना देने को तैयार है? 9 देने को तैयार है। मैंने इसको 7 में बाय करा था बार्गेन करके, हाउ अबाउट 12 4 5, ये जो भी है 5 7। बॉदरिंग में नहीं लगी है, नहीं यार ये चली गई। ठीक है भाई जाओ अभी। अरे भाई अभी मेरी कुछ एक ही भी गाड़ी नहीं बिकी है, मुझे उनको बेचना तो पड़ेगा। अगर हम नहीं बेचेंगे तो प्रॉफिट कैसे आएगा? डोंट वरी हम बेचेंगे। सबसे पहले मुझे अपने ये पूरे पार्किंग लॉट को भी वैसे फिल करना है, तो ये गाड़ियाँ मैं तभी बेचूंगा। एंड जो हमने ऑक्शन में लास्ट बाय करी थी अपनी ऑडी RR मर्सिडीज़ वगैरह, मुझे उनको भी भाई कस्टमाइज करके पूरा बेचना है। बट सबसे पहले ये सुप्रा को चेक करते हैं। सुप्रा हमने लास्ट एपिसोड में मतलब लास्ट नाइट में बाय करी थी, देखो भाई क्या बढ़िया लग रही है, सीरियसली बहुत प्यारी लग रही है। फाइनली सुप्रा भी गाइज अपनी पार्किंग लॉट में आ चुकी है, इसका इंजन ऑफ करते हैं। नाइस, फाइनली सुप्रा भी गाइज यहाँ पे आ चुकी है, और अभी एक बार जो कस्टमर्स आए उनके उनसे एक बार डील करते हैं। भाई ये तो पूरी डर्टी हो गई यार, अभी कितना बोल रही है, कैन यू लोअर इट टू 14,000 से? हाँ ये 14,000 वाली, ये भी 9,000 में ही उस कार को बाय करने को तैयार है, तो एक काम करते हैं सेल कर देते यार। मतलब बहुत सारे कस्टमर वेट कर रहे हैं, अब एक बार अपनी कूपर के लिए देखते हैं। एक सेकंड, थोड़ी सी गंदी हो रखी है तो मुझे उसको थोड़ा सा पेंट करना पड़ेगा। यार एक्सपी कितनी आ गई मेरे पास यार, मेरे को वाटर गन चाहिए। ओ भाई अभी थोड़ी चाहिए गाइज, वो वाटर गन अनलॉक हो जाएगी, और एक बार अगर वाटर गन अनलॉक होगी ना तो मैं बहुत तेज़ तरीके से ना गाड़ियों को क्लीन कर पाऊँगा। यहाँ पे जो भी है कचरा वगैरह सब कुछ एकदम चकाचक साफ कर देगा, मैं कहीं पे भी कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं। ठीक है, एक सूवी को भी आई थिंक क्लीन करना पड़ेगा। यहाँ पे शीशे पे थोड़ी ख़राब हो गई है, यहाँ पे पीछे की तरफ पूरा मैंने इसको क्लीन कर दिया। और अभी यार कस्टमर चला गया, अरे भाई सुप्रा तो ऑलरेडी क्लीन है, एक सूवी को भी एक बार क्लीन करते भाई। मतलब एक सूवी पीछे से तो ये भाई बहुत ख़राब हो गई हमारी एक्सयूवी। इसी तरीके से मैंने कार को क्लीन कर दिया और एक्सयूवी के लिए कस्टमर भी आया। सो प्लीज़ कितने में आप लेना चाहोगे? डर्टी एकदम मैंने उसको पूरा क्लीन कर दिया। हाउ अबाउट, मैंने 4 5 बोला है। ओके ये 4 4 बोल रहा है, थोड़ा सा बार्गेन करते। हाउ अबाउट सर 4, ये बार्गेन नहीं करेगा यार, 4 4 8, ये $300-400 तो बढ़ा दो। नहीं यार वो उतने में बाय कर। ओके यस, बिक गई अपनी, यस अच्छा मतलब प्रॉफिट तो हो गया एटलीस्ट। और अभी ये गाड़ियों को बेचना बाकी, अपनी कूपर और अपनी सुप्रा को वैसे अभी तक मैंने सेल पे डाला नहीं है, तो सुप्रा को भी ना सेल पे डालते हैं। ये आते हैं वेब पेज पे, और ये आ गई टोयोटा सुप्रा, इसके फोटोज़ अपलोड करते हैं। ये आ गए उसके फोटोज़, सुप्रा इसको मैंने 62 में बाय करा है, फोर स्पेंड करा है, तो मेरे को इसके 1 लाख नहीं इतने ज़्यादा नहीं भाई, इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे, इतने पैसे मिलने चाहिए, $1,12,445 जो भी है। ओके सेल पे डाल दिया मैंने उसको, और अभी ये कूपर के लिए कस्टमर आई है। अब ये सुपरा के अंदर चली गई, दिखाई भी नहीं दे रही। ओके इससे बात करते हैं अभी। ये मैंने 49 बोला है, कार को एकदम क्लीन कर दिया मैंने, फ्यूल पीस के अंदर ओके है। ये 42 देने को तैयार है। नहीं मैम यार 42 नहीं यार, ये इतना तो दे दो फिर 45। ओ भाई ले गई वो। ओके तो मैंने दोनों कार्स को बेच दिया, अभी हमारे पास सुप्रा है, सुप्रा को हम नेक्स्ट वाले एपिसोड में बेचेंगे। और सुप्रा के साथ साथ ये दो गाड़ियाँ है हमारी, ऑडी RR भाई, ये तो हमने 5 में इसको बाय करा है, तो इसके साथ तो डेफिनेटली आने वाले है। और अपनी मर्सिडीज़ है, और अपनी ये तो भाई अपनी ये खुद की पर्सनल गाड़ी है, तो ये भी गाड़ी को हम बेचेंगे बट नेक्स्ट वाले एपिसोड में। एंड नेक्स्ट वाले एपिसोड में मैं पूरा पार्किंग लॉट फिल करने की कोशिश करूंगा, बट उसको फिल करने से पहले मुझे काफ़ी सारा प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। सो दैट्स वाई नेक्स्ट वाले एपिसोड में अच्छा खासा प्रॉफिट करेंगे, $1-2 million कमाएंगे, और उसके बाद हम बिजनेस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था, आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा, एंड मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।